अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ जिला शाखा भिलवाड़ा शाहपुरा की संयुक्त बैठक रविवार को प्रातः 11 बजे मुखर्जी उद्यान में जिला अध्यक्ष किशन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य कई अधिकारी और गणमान्य उपस्थित रहे, जिसमें प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सर्व समिति से पुरानी सेवा की गणना करने, वेतन विसंगति को दूर करने, NPS की राशि GPF में जमा करवाने, प्रबोधक दिवस 1 अक्टूबर को रक्तदान शिविर आयोजित करने, जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित करने सहित जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। सीएम साहब से मिलने का समय आया था भाई साहब, हमारे साथी है ना जो हरलाल जी दुखिया है पार्टी, तो उन्होंने केवल चंपावत साहब को सर आप आ जाओ तो सर ऐसा काम करते हैं क्या, आप पूरा परिवार होंगे तो अच्छा लगेगा ना। उस संख्या उसमें नहीं थी, दुखिया जी का स्टेटमेंट आपने ग्रुपों में देखा होगा, इस प्रकार माननीय राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने उनसे माइक लिया, मंच जो स्थिति हुई आपको सबको अवगत है, आप सभी एक पृष्ठभूमि में जाओगे कैसे वो माहौल था। अपनी जो बात है उस समय अगर मान लो चंपावत जी होते वो परफॉर्मेंस रखते अगर वो बात, तो निश्चित रूप से एक घोषणा उस दिन वो सीएम साहब के बुखार से करवा पाते, ऐसा मेरा मानना है। हर आदमी भी यही मानता है कि अखिल ने वहाँ चूक हुई, उस दिन आपको चंपावत जी याद आए, वास्तव में अपने संगठनों से अपन पति लड़ाइयों के कारण उस बंदे को पीछे रख दिया, और आज अगर वो प्रेजेंटेशन देते सीएम साहब के सामने तो निश्चित रूप से कोई मांग पूरी होती। तो समय आ गया है, आप सभी को आंदोलन के लिए तैयार रहना है, और जल्दी ही पूरे राजस्थान में, मेरा ऐसा मानना है जी कि पूरे राजस्थान में पूरे ग्लोब पे 1 तारीख एक समय के आधार पर एक सीटी जो विज्ञापन आएगा वो उसकी फॉर्मेट पूरे राजस्थान में एक जैसी होनी चाहिए, और ये जल्दी ही अपने मार्गदर्शन मिल जाएगा, और ऐसा मेरा मानना है। कई बात है आज के कार्यक्रम की बैठक है, बैठक का एजेंडा सेवाएं गणना विसंगति वेतन विसंगति NPS GPF में 41 करोड़ रुपए हैं, 1 अक्टूबर को रक्तदान दिवस जो बच्चे वो भी कौन पड़े उसे कौन भाई, उसने स्वीकार कर ली गाँव वालों के सामने 5,000 रुपये दंड जुर्माना भी उसने भर दिया, इसका मतलब वो गलत है। फिर भी अपन उसके साथ वो आदमी उसका साल भर उसका प्रशिक्षण करवाइए, आपने जाके जिला